बड़ी खबर कोरोना की तीसरी लहर की चिंता से जुड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना को लेकर लापरवाही तीसरी लहर को दावत देती नजर आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर का बेहिसाब कहर झेलने वाली दिल्ली हो या मुंबई हो, यहाँ के लोग कोरोना से बेपरवाह दिख रहे हैं। दिल्ली का सदर बाजार हो या ओखला मंडी या मुंबई का दादर मार्केट, लोग कोरोना को न्योता देते नजर आए। महाराष्ट्र के नागपुर, यूपी के मेरठ और उड़ीसा के गंजाम की तस्वीरें भी डराने वाली हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले भले ही घटे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में और केरल में एक बार फिर बढ़ते कोरोना केस चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9114 नए मामले सामने आए हैं। 121 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। हैरानी की बात तो यह भी कि अकेले अगर मुंबई की बात कर लीजिए तो 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मामले केवल मुंबई में है और 13 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई है मुंबई में। मुंबई के अलावा पुणे में कोरोना के मामले बढ़े हैं। पुणे में 24 घंटे में 331 मामले आए सामने और 13 लोगों की मौत की खबर भी है। वही सड़क परिवहन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। चुनौती जरूर है, लेकिन अगर हम सब देशवासी मिलकर प्रयत्न करें तो हम जीत सकते हैं। वो प्रयत्न क्या है, जो भी प्रोटोकॉल है उनका हम पालन करें, बाकायदा जो चीज़ें सरकार बताती है उनके ऊपर चलते रहें और सब लोगों को कहें कि आप भी इसके ऊपर चलें। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतना दूसरे भी बचे रहेंगे और यही एक तरीका है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, आप किस जगह पर हैं, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए और प्रशासन, क्योंकि केसेस पिछले 3 दिन में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, क्या कोई सख्ती प्रशासन की तरफ से दिखाई गई है, कोई बाजार बंद किए गए हैं दिल्ली की तरफ? इस समय हम खड़े हैं मुंबई के मशहूर वर्ली नाका पे और यहाँ की तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ तो आपको नजर आ रही है, लेकिन लोगों के शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नजर आएगा जिसके मुंह पर मास्क लगा हो। कैमरा पर्सन अभिजीत से कहूंगा कि यहाँ का जो अंदर का नजारा है, यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, ना ही किसी ने मास्क अपने मुंह पर चढ़ाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि पुलिस यहाँ पर नहीं है, पुलिस का यहाँ पर बकायदा एक चौकी बनी हुई है पुलिस की, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी जैसे न्यूज 18 इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुँचा है तब लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में मास्क नहीं लगाया जा रहे हैं। मास्क पहनना जरूरी है क्योंकि आज मुंबई में कोरोना संख्या की घट रही है, इसके लिए मास्क सबने पहनना जरूरी है क्योंकि अपनी सेहत और सबकी ये करना जरूरी है। जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने भी मास्क नहीं लगाया। यहाँ पर कई सारे लोगों को हम देख सकते हैं कि मास्क नहीं लगाए, यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। किस तरीके से आप यहाँ पर लोगों को समझाते हैं या किस तरीके से करें? तो लोगों को कहते हैं कि बाबा मास्क पहनो क्योंकि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करो, क्योंकि आप अपनी परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो आगे जाके परिस्थिति और ही कठिन हो सकती है, इसके लिए मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। लोगों को तो हम बहुत समझाते हैं लेकिन लोग सुनना चाहिए। साफ तौर पर इनका कहना है कि यहाँ पर समझाने की कोशिश होती है लेकिन ये जो जनाब खुद हैं इनने कैमरा देखकर मास्क लगाया है और यहाँ पर अभी भी आप अगर देखें तो लोग शायद ही आपको नजर आएंगे जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। काफी सारे ऐसे जो लोग हैं, काफी सारे जो युवक हैं बिना मास्क के आपको नजर आ रहे हैं। अर्पिता, पुलिस की यहाँ पर बंदोबस्त होने के बावजूद ये कंडीशन है। आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का ये विधानसभा क्षेत्र है, बावजूद इसके यहाँ पर नियमों का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। ठीक रही है जरा आप साथ। कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे देखिए कमजोर पड़ रही है, पाबंदियों में कुछ छूट दी गई, लोगों की लापरवाही की तस्वीरें इसी छूट पर सामने आई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चिंता भी जताई। पीएम मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर और जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे वीडियो जो तस्वीर उन्हें मिली उस पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है, इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि एक गलती से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, कोरोना से लड़ाई कमजोर हो सकती है। कोरोना नियमों में पाबंदियों में ढील मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भीड़ की हैरान करने वाली तस्वीरें भी आईं। दिल्ली के खारी बावली बाजार और ओखला सब्जी मंडी में तो पैर तक रखने की जगह नहीं। मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान के श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ कोरोना नियमों को तार तार करती दिखी। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि देश में कोरोना फैला हुआ है। तीसरी लहर के आने का खतरा अब भी बरकरार है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। मनोज हमारे साथ भोपाल से मौजूद हैं। जरा मनोज, भोपाल की भी तस्वीरें दिखा दीजिए, वहां पर भी क्या इसी तरीके की लापरवाही हो रही है? और अगर लापरवाही हो रही है तो उसको रोकने के क्या प्रबंध हो रहे हैं? अर्पिता, अब चेकिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना खत्म हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रहा था, अब मैं बाजार का आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि कैसे लोग मतलब कोरोना को जैसे भूल चुके हैं। देखिए सामने की तरफ बाजार में आप देखिए, ये लोग खड़े हुए हैं, मास्क जो होता ना जैसे कोई गहना पहनते हैं, एक गहने की तरह बस गले में लटका लिया और मास्क को सिर्फ एक दस्तूर बन के मास्क रह गया है। ये देखिए इतने पास पास, ये देखिए आपने हमें देखा, मास्क लगा लिया। एक मिनट, मास्क अच्छे से क्यों नहीं लगाते जब बाजार में जाते? सर दो मिनट फोन पे बात करते हैं। आप भी नहीं लगाए? लगा तो हुआ सर मास्क। नहीं, ये तो अभी लगाया, पहले क्यों नहीं लगाए? पहले भी लगा हुआ था, वो क्या लगाया था। ठीक है, आप सारे बाजार में यही नज़ारा होता है, बस आपका कैमरा देखना शुरू करते हैं उसके बाद लोग मास्क लगा लेते हैं। हम लोगों से गुजारिश करते रहते हैं, सर कोरोना की सेकेंड लहर गई कि अभी है? हाँ, तक आशंका चली गई लेयर को, सेकंड लेयर को। देखिए आपके साथ ही अच्छे से मास्क लगाए, आप नहीं लगाए? लगा लो भाई। नहीं, मैं मास्क लगा लेता हूँ, मैं मास्क रखा हुआ है ना। सेकंड लेयर अभी मौजूद है, हाँ थर्ड लेयर आने को है, लेकिन सेकंड लेयर का अभी प्रकोप थोड़ा कम हो गया। लेकिन आपके भाई तो मास्क नहीं लगाए हैं ना? नहीं लगवाया ना, लगवा दिए। ठीक है, आप सबको जागरूक करिए, ऐसे अच्छा काम कर रहा हूँ। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा। बात यह है कि इसके बाद आप हमेशा आप बाजार में निकलेंगे तो मास्क पहनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। ये देखिए आप लोगों को, तमाम लोग जो रहते हैं, आप मास्क नहीं पहने सर? अभी नहीं पहने। क्यों नहीं पहने? मास्क लाना घर से भूल गया। लेकिन ये तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, मैं अभी लगा लेता हूँ, अभी लगा लेता हूँ। सर एक 5 रुपये का मास्क आता है, 3-ply मास्क, आप अगर घर से लाना भूल भी गए थे तो यहाँ खरीद सकते हैं। मैं अभी ले लेता हूँ, अभी लगा देता हूँ, आगे से पहनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अर्पिता, अमूमन बाजार में यही नज़ारा है कि लोग मास्क को लेकर अब जैसे कहते हैं कि अब बेतरती भी लोगों के उसमें आ गई है कि रोज़मर्रा के व्यवहार में अब बेतरती भी होती है और मास्क को लेकर लोग उतने गंभीर नहीं होते हैं। रहिए जरा आप साथ, मुंबई की दादर सब्जी मंडी की तस्वीर भी जरा दिखा दें। वहाँ पर लोग जो हैं वो कोरोना नियम तोड़ते दिख रहे हैं। लोग ना तो 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं। लोग मास्क पर बहाने बनाते जरूर दिख जाते हैं। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार से डराने वाली तस्वीरें आईं। वहां पर लोगों की भीड़ जुटी, लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे। हैरानी की बात तो ये कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। मास्क के बारे में पूछने पर भी लोग बहाने बनाते नजर आए। आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, लोगों के पास बहाने बहुत हैं, अगर आप पूछने बैठिए तो एक से एक बहाने हैं, लेकिन डर नहीं है। ये डर और ये जागरूकता कैसे फैलाई जाए, इसके लिए भी क्या कोई इंतजाम किया जा रहा है वहां सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? जी, आपको बताना चाहेंगे, प्रशासन और सरकार की बकायदा लगातार मीटिंगें जारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं वो अपने सुझाव लगातार सरकार को दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है जिन पर अमल करने की कोशिश कर रहा है। लगभग अब हर जो मुख्य रास्ते हैं मुंबई के, उन पर इसी तरीके की बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस का बंदोबस्त होता है, जहां पर जो लोग बिना काम के, बिना किसी ठोस ज़रूरी काम के अगर रास्ते पर निकलते हैं तो उनसे बाकायदा फाइन लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं, ये वर्ली नाका जो है, यहाँ पर अगर आप गाड़ियों पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि आज शुक्रवार का दिन है, ऐसे में कई सारी गाड़ियां अभी इस समय दोपहर के समय रास्ते पे हैं। शाम को और सुबह सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है और ये जो लोग होते हैं, गाड़ी में बैठे हुए भी लोग होते हैं, वो भी मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते। सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन लोग जो है वो लापरवाह
होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि महाराष्ट्र में जो कोरोना के आंकड़े हैं, कुछ दिनों पहले तक 6000 मामले दिन में दर्ज किए जाते थे, वहीं अब पिछले 2-3 दिन से करीब 9700 मामले दर्ज हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना रही है। साथ देखिए, कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानी जो है वो भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हजारों लोग घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच गए, हर जगह लोगों की भीड़ दिखी, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा। वहीं शिमला में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं और पर्यटकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दिख नहीं रही, ना मास्क दिख रहा है। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से, औसतन 18,500 गाड़ियां एंटर कर रही है हिमाचल प्रदेश में, और मेन टूरिस्ट स्टेशन है जैसे शिमला, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलोजी, इसमें काफ़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम है वो अब चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम हिमाचल, लोग डीप इंटीरियर्स में होम स्टेज में जा रहे हैं और कई कई महीने उन्होंने किराए पे होम स्टेज लिए हैं, वहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमने करीब 5 करोड़ से ऊपर फाइन मास्क का किया है। ये फाइन करने का उद्देश्य लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप में नहीं डालना है, क्योंकि वैसे ही काफी तंग है लोग, ये एडवाइजरी या क्वेश्चनरी है। मनोज, जैसे अलग अलग राज्यों में सख्ती की जा रही है, कहीं जुर्माना वसूला जा रहा है तो कहीं मार्केट को बंद कर दिया जा रहा है, क्या भोपाल में भी कुछ ऐसे ही हुआ है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते हैं कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, और सरकार की तरफ से लगातार लोगों से गुजारिश की जाती है, लेकिन लोग उसको समझ कितना पाते हैं। देखिए, आपका मास्क कहाँ है, लगा है आपका, तो आपका क्यों नहीं लगा? ये देखिए, ये जो बड़ी अच्छी तस्वीर होती है जब आप कैमरा सामने आता है और आपकी जेब से मास्क निकलता है, जी बोलिए, क्यों नहीं लगाए थे? जब जेब में रखा हुआ है तो लगाने में क्या तकलीफ है? सर, मैं अभी तो चाय पीने के लिए उतरा था। हाँ, लेकिन हम तो आपको दूर से लगातार देख रहे हैं, अभी तो आप चाय पीते नहीं देखे मुझे। मैंने अभी जा रहे, बस अभी चाय पीने जाने वाले थे तो पहले से निकाल दिया। हाँ, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। लेकिन मास्क क्यों नहीं पहनते? सारे अब जाना होगा। देखिए, मतलब हर शख्स की जेब में मास्क है, लेकिन उसके बावजूद भी अर्पिता वो पहनने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कोरोना का डर उनके मन से पूरी तरह से निकल चुका है। रहिए जरा आप साथ, और गुजरात के पाटन की भी तस्वीरें दिखा दें। वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम को ही रोक दिया, क्योंकि वहां पर वो कार्यक्रम चल रहा था जिसमें नियम फॉलो नहीं हो रहे थे। पाटन में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। तो ये पाटन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब जहां जो नेता जो प्रतिनिधित्व करते हैं कई बार आम जनता का, अगर वो इस तरीके से ढिलाई करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो जनता पर क्या असर पड़ेगा? आप रैली कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, बकायदा भारी तादाद में, देखिए जरा लोग भी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन ना नेताओं के चेहरे पर मास्क है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो भाई जनता कैसे लगाएगी मास्क और कैसे करेगी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन? तो ये तस्वीरें गुजरात की आप देख रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचते हैं, बकायदा लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, लेकिन बिना मास्क के। गलती यहां पर यही हुई जिसके बाद इस कार्यक्रम को प्रशासन ने रोक दिया, क्योंकि यहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा था। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार से एक डराने वाली तस्वीर आई, वहां पर लोगों की इतनी भीड़ है कि पैर तक रखने की जगह नहीं है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे। हैरानी की बात तो ये भी कि ज्यादातर लोगों ने मास्क ही नहीं लगाया। मास्क के बारे में पूछने पर लोग बहाने बनाते नजर आए। मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में, और सदर बाजार की एक मार्केट को कोविड प्रोटोकॉल नियम के पालन ना करने के चलते बंद किया गया था, पर उसके बाद भी आप तस्वीरें देखें। भैया मास्क है, ये तस्वीरें हैं जहां पर रिक्शा चालक हो, कामगार मजदूर हो, या वो तमाम लोग जो बाहर आ रहे हैं, मास्क कहाँ है? तो ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के पास मास्क है तो ऊपर नहीं लगाया हुआ, या बिना मास्क के ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं है। यहां आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं, अभी सुबह के वक्त मार्केट भी नहीं खुली है, और जो लोग काम करने के लिए भी आ रहे हैं वो भी
आप देख रहे हैं जो घूमने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जो यहाँ काम करते हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मार्केट खुली भी नहीं है और उससे पहले ही लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है अगर दिल्ली की बात की जाए तो। यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों से भी व्यापारी सामान खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड नियमों का पालन यहाँ नहीं हो रहा है उसी के चलते एक मार्केट को यहाँ पर बंद भी किया गया था, बावजूद उसके सदर बाजार में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। वही देखिए, महाराष्ट्र के नागपुर में सीताबड़ी लोकल मार्केट में भी लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे हैं। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग मास्क लगाना तक भूल गए। भले ही नागपुर में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह का वातावरण हमें नागपुर के रस्तों पर देखने को मिलता है, हम देख सकते हैं कि फिलहाल हम नागपुर के सीताबड़ी मार्केट में हैं और ये जो सीधी तस्वीरें हैं देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ भीड़ की है। लोग ठीक से मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। बहुत सारे दुकानदार हैं, ग्राहक हैं जो बिना मास्क यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो नागपुर में 20 कोरोना के नए मामले सामने आए। भले ही परिस्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह का बर्ताव लोगों का हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इस पूरे समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे और प्रशासन का भी इस पर कोई ध्यान नहीं। हम देख सकते कि दोपहर का वक्त है, कितनी बड़ी संख्या में लोग मार्केट में टहल रहे हैं, खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन जो कोरोना की जो नियमावली है या जो पाबंदियां लगी हुई है उसका पालन होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो देश में दो ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र और केरल, जिसमें पूरे देश में रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें से आधे मामले ये दो राज्य से आ रहे हैं और अभी भी महाराष्ट्र में रोज 10,000 के लगभग नए मामले सामने आ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना के खतरे को लेकर एकदम सतर्क है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर बैठक की गई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से उसका पालन कराने का आदेश दिया गया। पुष्कर सिंह धामी ने होटल्स की बुकिंग 50% की व्यवस्था के तहत किए जाने की बात भी कही और होटल एसोसिएशन की बैठक भी बुलाने की बात कही। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग है, बहुत सतर्क है और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते और पूरी शक्ति से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। इससे कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए, उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की मीटिंग बुलाने वाले हैं। उत्तराखंड में मसूरी के कैंपटी फॉल में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने के बाद प्रशासन बहुत ही सख्त हो गया। कैंपटी फॉल में अब सिर्फ एक बार में 50 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई। टिहरी गढ़वाल के सीएम ने आदेश के मुताबिक एक बार में कैंपटी फॉल पर 50 लोग ही जा सकेंगे और सिर्फ आधा घंटा वहां रुक सकेंगे। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना टेस्ट रिपोर्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। डीएम ने यह भी कहा कि अगर लोगों ने सहयोग नहीं किया तो कैंपटी फॉल को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है। बढ़ रहे आगे, प्रधानमंत्री